In this part, we will learn about the applications of 3D printing. Okay. First application is aerospace. Aerospace and space engineers जो होते हैं वो 3D printing use करते हैं manufacture करने के लिए high performance part. आपको पता ही है इसका use करके strength to weight ratio जो है वो काफ़ी high होता है, तो इसलिए possibility होती है consolidate करने के लिए multiple components into a single part. Okay. नेक्स्ट इज ऑटोमोटिव. जो मेनी ऑटोमोटिव कंपनीज होते हैं वो 3D प्रिंटिंग को पोटेंशियल देखते हैं बिकॉज दे फुलफिल आफ्टर सेल फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेयर रिप्लेसमेंट पार्ट्स ऑन डिमांड रादर देन होल्डिंग ह्यूज इन्वेंट्रीज. ओके, वी कैन ऑल्सो यूज इट इन रोबोटिक्स. यू मस्ट बी फेमिलियर दैट कि रोबोटिक्स इज क्वाइट लाइक इन ट्रेंड राइट नाउ. ठीक है, 3D प्रिंटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है इन मेन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज इसकी स्पीड, डिज़ाइन फ्रीडम ऑफ ईज ऑफ कस्टमाइजेशन की वजह से. ठीक है, उसमें जो लार्ज रेंज ऑफ मटेरियल है उसमें ऑप्शंस होते हैं विद यूनिक प्रॉपर्टीज जो कि हमें यूनिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, सच एज सॉफ्ट रोबोट्स. नेक्स्ट इज टूलिंग. द डेवलपमेंट ऑफ न्यू 3D प्रिंटिंग मटीरियल विद हाई हीट रेजिस्टेंस एंड stiffness combined with the ability to create custom parts quickly and at low cost push 3D printing to find multiple applications around industry tooling. मतलब कि इसकी stiffness, heat resistance की वजह से ही tooling वाली industry में काफ़ी use होने लगा. Next is architecture. जो architecture models बनते हैं वो 3D printing processes से बनने लगे हैं आजकल because जो इनकी accurate demonstration models of an architect vision देते हैं ये. Okay. 3D printing relatively fast, easy and economical viable method है of producing detailed models directly from 3D CAD जो architects use करते हैं. Okay. Further, it is used in education. Okay. मतलब कि education कैसे use होता है कि इससे हम practical real life experience कर सकते हैं. ठीक है, जो core subject होते हैं वो can be brought to life through scale replicas. नेक्स्ट सिनेमा में यूज़ होते हैं ये. जो मूवी मेकर्स होते हैं टुडे अगर वो कैपेबल हैं 3D प्रिंटिंग करने के लिए देन वो अपने प्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं इजीली. ओके, बिकॉज इसकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है सो इट हेल्प्स इन एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल ब्रिंग टू लाइफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर इमेजिनेशंस. नेक्स्ट इज आर्ट डिज़ाइन एंड स्कल्पचर्स. यू मस्ट बी फेमिलियर दैट आर्टिस्ट और जो स्कल्पचर्स होते हैं वो क्ले वगैरह के काफ़ी मॉडल्स बनाते हैं बट अगर वो 3D प्रिंटिंग यूज़ करते हैं तो इससे उनको काफ़ी ईजी हो जाता है. ठीक है, ईजिली कस्टमाइज देयर प्रोडक्ट्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. ओके, एंड हाई क्वालिटी फंक्शनल प्रोटोटाइप्स फॉर न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट कैन ऑल्सो बी डन. ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल सेक्टर. मेडिकल सेक्टर में कैसे यूज़ होते हैं, लाइक काफ़ी पुराने टाइम से मेडिकल सेक्टर ने अडॉप्ट करा है 3D प्रिंटिंग को. ठीक है, डेंटल क्राउन्स, ठीक है, हिप एंड नी इम्प्लांट्स. ओके, पेशेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सच एज हेयरिंग एड्स, ऑर्थोटिक इंसोल्स फॉर शूज एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें बनती है 3D प्रिंटिंग से. ओके, 3D प्रिंटिंग जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि स्किन, बोन, टिश्यू, फार्मास्यूटिकल्स एंड इवन ह्यूमन ऑर्गन्स भी इससे बनते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू सेलेक्ट द राइट 3D प्रिंटिंग प्रोसेस. करेक्ट 3D प्रिंटिंग प्रोसेस चूज़ करने के लिए वी शुड ऑलवेज कंसिडर थ्री थिंग्स. पहला इज कि कौन सा मटीरियल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ. मटीरियल का कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें अपनी प्रिंटिंग में रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज फंक्शनल एंड विजुअल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, लाइक स्मूथ सर्विस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, हीट रेजिस्टेंस चाहिए या फिर वाटर रेजिस्टेंस चाहिए एक्सेट्रा. नेक्स्ट कैपेबिलिटीज ऑफ द 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, कि कितनी एक्यूरेसी है, कितनी अवेलेबल प्रिंट वॉल्यूम है, कितनी ज़्यादा लेयर हाइट है. अगर हम ये तीन चीज़ें देखेंगे तो उसी बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा अपना प्रिंटिंग प्रोसेस यूज़ करना है बिकॉज हर प्रिंटिंग प्रोसेस की अलग बेनिफिट्स हैं, अलग लिमिटेशंस हैं, अलग मटेरियल यूज्ड है. ओके, नाउ कम द बेनिफिट्स ऑफ 3D प्रिंटिंग. ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. ओके, इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम होती है. कस्टमाइजेशन हो सकता है ईच एंड एवरी पार्ट का. इसकी लो कॉस्ट
लो कॉस्ट प्रोटोटाइपिंग होती है विद वेरी क्विक टर्न अराउंड, ठीक है, लार्ज रेंज ऑफ स्पेशलिटी मटेरियल्स यूज होते हैं इसमें, ओके. फिर आते हैं लिमिटेशंस ऑफ 3D प्रिंटिंग. फर्स्ट इज लोअर स्ट्रेंथ होती है इनकी और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज होती है. फिर ये लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है. इनकी एक्यूरेसी लिमिटेड होती है और टॉलरेंस भी लिमिटेड होती है. आपको पता ही होगा 3D प्रिंटिंग में प्रिंटिंग के बाद हमें रिमूवल और पोस्ट प्रोसेसिंग करना पड़ता है. ये एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन है बिकॉज हमें इमिडिएटली प्रिंटिंग करके फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलता है. ओके, आई होप कि मैंने सब कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं विच यू नीड टू गेट स्टार्टेड विद 3D प्रिंटिंग, बट देर इज प्लेंटी मोर टू लर्न. ओके, सो हेयर इज अ सिलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स ऑन 3D प्रिंटिंग विच आई हैव सिलेक्टेड एंड लाइक कॉपीड द लिंक्स ऑफ देम ऑल्सो. शुड गो एंड ओपन दीज लिंक एंड लर्न मोर अबाउट 3D प्रिंटिंग, ठीक है. देर इज एन आर्टिकल बाय पेरी केन, रेन रेड, बेन रेडवुड, केन ग्यांग, रॉबिन ब्रॉकोटर, एल्कुआ बॉर्निया वर्थोसिस, ठीक है. इफ़ यू आर प्रोफेशनल लुकिंग टू मास्टर द की एस्पेक्ट्स ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो आपको द 3D प्रिंटिंग हैंडबुक जो है जो अमेजोन पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी उसको गो थ्रू करना चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन सेलेक्टिंग द राइट टेक्नोलॉजी एंड हाउ टू डिज़ाइन फॉर 3D प्रिंटिंग के बारे में जानकारी देती है, जो कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज़ के लीडिंग एक्सपर्ट में. ओके, आई होप कि आपको ये इस बारे में पढ़कर मज़ा आया होगा बिकॉज ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है और काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होता है. सो आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट. ओके, थैंक यू वेरी मच.